नमस्कार सभी दर्शकों को, प्रेम कुमार बोध की तरफ से आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं। साथियों, जैसे हर प्रकार की ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं, हर एक एक गांव में जाकर के किन सरपंचों के द्वारा कितना विकास कार्य हुआ है या भावी सरपंच की जो उम्मीदवारी कर रहे हैं वो क्या क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं गाँव पालावास में और पालावास में पहली बार भी सरपंच रह चुके हैं लगभग सन 2000 के सन में भाई धर्म सिंह जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी अभी भावी सरपंची पद की दावेदारी है, क्योंकि अभी बार बार रिजर्व यहाँ पर सीट आई हुई है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि यदि वो सरपंच पद पे कामयाब हो जाते हैं तो उनका मेन मोटो गांव के लिए क्या है। सर साहब नमस्कार, धर्म सिंह जी, सबसे पहले तो बीपी न्यूज चैनल पर जुड़ने के लिए मैं आपका, आपके गाँव का, आपके पूरे परिवार का स्वागत करता हूँ। संपूर्ण सेंट्रल कमेटी की तरफ से और स्टेट हरियाणा बॉडी कमेटी की तरफ से। सरपंच साहब, आप पिछले सन 2000 के योजना में सरपंच रहे जी, तब आपने अच्छे विकास कार्य गांव में करवाए और उसके बाद में दो योजना जनरल में रही। हाँ, तो अभी प्रेजेंट में शायद सोनू यादव जी अभी सरपंच है। तो सर, अभी जो रिजर्व दोबारा से आई है आपकी सीट, तो क्या उद्देश्य है आपका यदि आप सरपंच बन जाते हैं तो? सबसे पहले मेन मोटो क्या रहेगा? सबसे पहला मेरा सोचना ये है कि शिक्षा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए जी, और स्वास्थ्य को भी दिया जाए। और सबसे बड़ी बात जो गिरावट की हम जो देख रहे हैं वो जो हमारी बढ़ती हुई जो जातिवाद की जो दीवार है जी 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 जी, वो एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे विकास में क्या हर आदमी के विकास में रोड़ा डालता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये जातिवाद की, रंग भेद की और अमीर गरीब की जो खाई है, इसको किसी तरह जो है ना, इसको सामान्य लेवल पे लाना बहुत जरूरी। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो है ना, इस पर सब प्राथमिकता इसको दी जाए। तो देखिए, ये भाई धर्म सिंह जी ने बताया कि हमें किसी जाति का ना होकर के हम केवल यदि भारतीय कहे अपने आप को तो वो बेटर रहेगा। और कास्टिज्म की यदि हम बात करें तो केवल इंसानियत, भगवान तथागत गौतम ने एक ही बात कही है कि इसमें कोई जाति नहीं देखी जाती है, वो चाहे शेड्यूल कास्ट का साथी कोई धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, ये जाति पाति कोई मायने नहीं रखती है। तो सरपंच साहब की ये एक मार्मिक भावना, हृदय को विदीर्ण करने वाली एक भावना है कि आज के युग में जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं और जाति पाति की जब बात करते हैं तो ये पूरी दुनिया को मालूम है। बराक ओबामा जब यह तक कह चुके हैं यदि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूर्य रत्न की उपाधि देते, लेकिन भारत का ये अभाग्य कहूंगा मैं इसको, जो सबसे विद्वान और सिंबल ऑफ नॉलेज होने के बावजूद भी मतलब उनको एक घृणित और ओछी नजर से देखा जाता है। तो सब हॉस्पिटल के लिए आप यदि सरपंच बन जाते हैं तो हॉस्पिटल के लिए क्या प्रस्ताव पारित करवाएंगे? उसके लिए हम इस पर बहुत ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे, क्योंकि हमारा समाज ही जो है ना जी, वो अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। बिल्कुल। और हम आज किसी मंदिर को बनाने के लिए कोई आवाज उठाते हैं तो कितने ही तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कितना पैसा खर्च करके ना, और बड़ी भारी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भिखारी निकलते हैं, उससे सच्चाई भिखारी बनते हैं, वहाँ दुकानें खोली जाएगी, वही चढ़ाव आएगा उसको, कितनी बार वो बिकेगा और वहाँ से कुछ भी नहीं, वो एक पत्थर है, उनको जबान नहीं है। तो हमें किसी को विकास कराना है तो हमें चेतन का कराना चाहिए। हम अगर जो स्कूल खुलवाएंगे, कॉलेज खुलवाएंगे, इनको बनवाएंगे तो वहाँ से हमारे इंजीनियर निकलेंगे, डॉक्टर्स निकलेंगे, तो हमारा जो समाज है ये अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। इस समय की कोशिश रहेगी हमारी कि अंधविश्वास की जो है ना भेड़ियों को काटे। तो धन्यवाद सर साहब, आप हमारे साथ में जुड़े और तथागत गौतम और भगवान बुद्ध की आप पर कृपा रहेगी। गुरुमारा से हम ऐसे ही कामना करते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब होंगे और समाज को एक सही विकास के रास्ते पर आप लेके चल रहे हैं और लेके जाएंगे, और परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से आप अपने लक्ष्य में कामयाब भी होंगे। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी समादेवी भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत हरिओम।